हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जो आपके लिए ऐसा मान सकते हो एक शानदार मौका, ठीक है। एक मतलब आपके पास एक ऑप्शन है, उसके बिना ना तो कोई एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बिना क्या मतलब, उसमें एग्ज़ाम नहीं है, यानी कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है और ना ही किसी का आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसके लिए। तो वो जो भर्ती है वो है राजस्थान पुलिस में। राजस्थान पुलिस में वो भर्ती किसके लिए है, वो है राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट 2022 राजस्थान पुलिस चतुर्थ सरणी कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। योग्यता 5वीं पास है। इसमें भर्ती इंटरव्यू के आधार पर होगी, यानी आपका एग्जाम नहीं होगा, भर्ती के में सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब देखिए आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या रहने वाला है, हमारे साथ बनी रहेगा, संपूर्ण जानकारी वो इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। तो देखिए क्या कहा गया इसमें कि राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट 2022 राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुरू, ठीक है। राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास भर्ती 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास वैकेंसी 2022 राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास भर्ती 2022, ठीक है। और उसके बाद इसमें कहा गया सीधी भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्नल बॉय, यानी जो पद है उनका नाम क्या है, कर्नल बॉय के पदों पर भर्ती की जाएगी राजस्थान पुलिस फोर्थ। यानी अभी कर्नल बॉय क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसके जो आवेदन है वो 21 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो देखिए एग्जाम अथॉरिटी राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, यानी राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ही करवाएगा इसका एग्जाम। उसके बाद एग्जाम क्या, इंटरव्यू। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ना राजस्थान पुलिस, ठीक है, CID IB रिक्वायरमेंट, यानी डो कर्नल बॉय इसके लिए जो भर्ती हो रही है। पोस्ट नाम क्या, क्लास फोर्थ डो कर्नल बॉय। उसके बाद में इसके जो फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं वो 21/11/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 10/12 यानी 10 दिसंबर 2022 रखी गई है। फॉर्म भरने की जो स्थिति है वो ऑनलाइन है, यानी आपको SOSO पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद में आपका जो जॉब लोकेशन है वो राजस्थान में रहने वाला है। उसके बाद में इसमें जो फीस रखी गई हुई क्या है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 80 रुपये, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क ₹50 होगा। उसके बाद सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक आय अगर 2,50,000 रुपये से कम है, केवल राजस्थान का मूल निवासी है 2,50,000 से कम है, तो आवेदन ₹50 दे होगा। परिषद शुल्क नगद, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट ये है इसमें कि 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष, यानी 18 से 40 इसमें एज लिमिट रखी गई है। आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थी का जन्म जो 1 जनवरी 1983 से लेकर 2 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो सरकारी नियमानुसार जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता के इसमें क्या रहने वाले। अभ्यर्थी को किसी राज्य अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, यानी 5वीं पास आप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं कर्नल के साफ सफाई देखभाल का अनुभव होना आपको आपके पास जरूरी है। उसके बाद में इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या रहनी चाहिए इसमें, यानी आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसकी सेवा संपादित करने में बाधक हो। चयन होने के उपरांत आवेदक को राज्य सरकार द्वारा तत्पर योजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का इस IC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने, यानी करेक्टर कैसा होना चाहिए इसमें, यानी चरित्र आपका कैसा होना चाहिए। आवेदक को साक्षात्कार के समय इस IC का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उससे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है, ठीक है, यानी आप कहीं पर भी कोई जुर्म नहीं किए हुए। उसके बाद इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दंडित मामला न्यायालय में लंबित हो तो आवेदक को पूर्ण विवरण शपथ पत्र पर अंकित कराना होगा। यानी अगर आपके कोई मामला चलता भी हो कोर्ट में तो उसके लिए आपको जो पूरा मामला है उसकी जो प्रतिलिपि है वो आपको ले जानी साथ में। उसके बाद उक्त शपथ पत्र नोटरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, यानी राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास भर्ती 2022 के लिए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, यानी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू डेट क्या रखी गई, इसमें इंटरव्यू डेट ये है कि राजस्थान पुलिस फोर्थ क्लास भर्ती 2022 के लिए इंटरव्यू दिनांक 22 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। यानी कब होगा आपका इंटरव्यू, 22 दिसंबर 2022, यानी 22/12/2022। और जो आपका स्थान और समय है वो आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में साक्षात्कार के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होगा, साक्षात्कार आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त या आवेदनकर्ताओं का दिनांक 22 दिसंबर 2022 से साक्षात्कार लिया जाना प्रस्तावित है।
यानी इंटरव्यू के लिए स्थान समय दिनांक अभ्यर्थी के ई प्रवेश पत्र यानी जो आप डाउनलोड करके ले जाओगे उसमें आएगा। आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, रिक्वायरमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट डॉट इन, आप जो वहाँ एसोसाइटी में जाओगे ना तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू हेतु कोई यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा, यानी आपको आने जाने का खर्चा वो वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको साथ में क्या क्या ले जाना अगर आप इंटरव्यू देने जाओ तो, ऑनलाइन भरे गए आवेदन की पत्र की प्रतिलिपि यानी जो आपको मित्र वाला या फिर साइबर कैफे वाला जो आपको प्रतिलिखा कर देता है वो आपको ले जाना साथ में। उसके बाद साक्षात्कार के लिए जारी ई प्रवेश पत्र की प्रति यानी जो आप प्रवेश पत्र निकालते हो वो ले जाना। उसका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति, उसका जन्मतिथि संबंधित यानी जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र पत्र पर जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, उसका युवा पंजीयन बाबत शब्द यानी अगर आप विवाहित हो तो आपको वो मेरे सर्टिफिकेट ले जाना है, उसके बाद डेज निर्णय लेने के बाबत में शपथ पत्र आपको साथ में ले जाना है, उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र हो गया, उसके बाद विवाह पंजीयन बाबत शपथ पत्र यानी अगर आपकी शादी हुई है तो वह भी आपको साथ में ले जाना है, उसके बाद डेज निर्णय लेने ये आ गया, उसके बाद एक से अधिक या पत्नी न होने बाबत शपथ पत्र यानी आपकी एक ही पत्नी है एक से अधिक नहीं है वो भी आपको साथ में जो प्रमाण पत्र तो ले जाना। उसके बाद जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, उसके बाद बिंदु संख्या 5 पर अंकित शपथ पत्र की प्रति, ठीक है। तो ये थी जानकारी, और अधिक इससे जानकारी चाहिए या आपके कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैम हम आपको आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके, धन्यवाद।